हम लोग अभी बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का ना इस्तेमाल किया जाता है बूलियन वैल्यूज के साथ में। तो ये कैसे होता है, हम लोग इस चीज को करते कैसे हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे अभी एक्सप्लोर करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वो चीज। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज विद द बूलियन वैल्यूज, राइट। और कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे पास में, तो वो है एंड और नॉट, ये तीन है। हम लोग देखेंगे तीनों के बारे में, एक एक करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे नीचे आते हैं, अभी जरा समझ लेते हैं। अब देखो, एंड ये बड़ी इंग्लिश चीज लगती है ना, एक्चुअली है, राइट। ये जो एंड है इसका मतलब क्या है, अगर मैं सपोज बोलू कि रमेश एंड सुरेश, राइट, रमेश एंड सुरेश आर ईटिंग चॉकलेट, तो इसका मतलब क्या है, रमेश और सुरेश दोनों चॉकलेट खा रहे हैं, राइट। तो उसमें दोनों आ गए। अब वही अगर मैं बोलू कि रमेश एंड सुरेश एंड चंदू आर ईटिंग चॉकलेट, तो यहां पे ये तीनों चॉकलेट खा रहे हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग एंड का इस्तेमाल किसी ऐसे ही तरीके से करने वाले हैं। और जो दूसरी तरफ और है ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग। मतलब हम लोग नहीं कहते कभी कभी कि यार एक तो ये हो जाए या तो वो हो जाए, राइट, काइंड ऑफ दैट। तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड इधर है नॉट। नॉट का मतलब क्या है कि नॉट मतलब इफ समथिंग इज नॉट ट्रू देन इट इज फॉल्स, एंड इफ समथिंग इज नॉट फॉल्स इट इज ट्रू। तो यहां पर ये नॉट वही करेगा, अगर हम लोग बोल देंगे नॉट ट्रू तो इट्स फॉल्स। अब हम लोग जरा इसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग इनका इस्तेमाल किधर करने वाले हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ना मल्टीपल कंपेरिजन करने हैं। अब जैसा मैंने बोला आपको कि बुलियन वैल्यूज के साथ में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इनका, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स का, राइट। तो हम लोग जब कंपेरिजन करते हैं, जैसे एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, तो भी हमें बुलियन वैल्यू ही मिलती है, राइट। सो इन केस इफ आई वॉन्ट टू मेक मल्टीपल कंपेरिजन, तो उस केस में मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, राइट, एंड वो नंबर 25 से छोटा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जस्ट एनी रैंडम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, बस हमें समझना चाहिए, जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड इट शुड बी लेस देन 25, राइट। अब अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नंबर 12, ओके। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि ये नंबर ग्रेटर देन 10 है या नहीं है, तो मैं करूंगा नंबर इज ग्रेटर देन 10, ऐसे कर दिया, राइट, ये हो गया, सिंपल है। बट मुझे ये भी चेक करना है साथ में, मतलब एक तो नंबर वो 10 से बड़ा भी होना चाहिए एंड 25 से छोटा भी होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा भी लिखना पड़ेगा कि नंबर इज लेस देन 25, राइट, और मुझे दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा विथ एंड, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, तो नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड नंबर इज लेस देन 25, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसका ना प्रिंट कर देते हैं वैल्यू क्या आने वाला है। तो देखो, लेके आते हैं टर्मिनल को, लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट नाउ। तो इसको रन कर लेते हैं हम लोग, तो जस्ट टाइप पाइथन ऑपरेटर्स डॉट पी वाई जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, जस्ट हिट एंटर, यू विल गेट आउटपुट एज ट्रू। ट्रू क्यू, क्योंकि हमारा नंबर है 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 10 एंड एट द सेम टाइम 12 इज लेस देन 25। बट हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पे 26, ओके, लेट्स कंसीडर 26। अब 26 10 से तो बड़ा है बट 25 से छोटा नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम लोगों को यहाँ पर ये आंसर फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, रमेश एंड सुरेश चॉकलेट खा रहे, ठीक है, रमेश एंड सुरेश चॉकलेट खा रहे। अब अगर लेट्स से सुरेश चॉकलेट नहीं खा रहा है, तो वो चीज क्या हुई, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई ना। मतलब यहां पे एक कंडीशन तो ट्रू हुई है बट दूसरी नहीं हुई है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आउटपुट को फॉल्स पाएंगे, राइट, बिकॉज नॉट ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। इनफैक्ट यू कैन पुट मोर कंडीशंस एज वेल, यहां पे आप लोग एंड लिखो और अगली कंडीशन डाल दो, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 लेट्स से, राइट, नंबर व्हाट 2 इक्वल्स 0, ये डाल दी कंडीशन। और एक यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर को, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, दैट्स इट, राइट।
अब देखते हैं यहाँ पे जरा, हम लोग कर रहे हैं 24, ठीक है। अब 24 10 से बड़ा है क्या? हाँ है। 25 से छोटा है क्या? हाँ है। 2 से डिवाइड होता है क्या? हाँ है। तो हमें इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा। देखो है ना सिंपल, ये चीज होती है बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एंड का इस्तेमाल कब करोगे? जब आपको सारे के सारे जो आउटपुट्स है वो ट्रू चाहिए, राइट। मतलब ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, तभी आपका जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो ट्रू आएगा, है ना। ऐसी कंडीशन में आप लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा यूज केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि कब आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहोगे। लेट्स से आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कोई यूजर वोटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। अब उसके लिए दो क्राइटेरिया हम लोग इधर रखेंगे। इट्स लाइक उसकी एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए एंड उसके पास में वोटिंग कार्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल है तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि बंदा वोटिंग कर सकता है, राइट। अब वो अगर 18 से ऊपर नहीं है तो वो वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, स्ट्रेट अवे। अब अगर वो 18 से ऊपर है बट उसके पास में वोटिंग कार्ड नहीं है तो भी वो वोटिंग नहीं कर सकता, राइट। तो इट्स लाइक दोनों कंडीशंस शुड बी ट्रू सो दैट द आउटपुट इज ट्रू, राइट। तो आप लोग इस कंडीशन को, आप लोग इस सिचुएशन को इस तरह से टैकल कर सकते हैं यूजिंग द एंड ऑपरेटर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या है कि भाई एक तो ये हो जाए या तो वो हो जाए या तो वो हो जाए, इट्स लाइक दैट। इन सब में से एटलीस्ट एक चीज हो जाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में मेरे को 90 से ऊपर मार्क्स मिल जाए तो मैं समोसे खिला दूंगा सबको, राइट। तो इट्स लाइक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में 90 से ऊपर मिलने चाहिए। दो में मिले तो भी चलता है, तीन में मिले तो भी चलता है, चार में मिले तो भी चलता है, सब में मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। बट एटलीस्ट एक में हो जाए, इट्स लाइक दैट। तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग एक ऐसा इसेंस समझ लो कि यहाँ पर हम लोग और का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वी नीड टू हैव एटलीस्ट वन कंडीशन एज ट्रू, ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में सारे और रख देंगे एंड की जगह। तो यहाँ पे एंड है तो हम लोग और रख देंगे, यहाँ पे एंड है हम लोग फिर से और रख देंगे, राइट। और रखना था मुझे, मेक श्योर यू स्पेल इट राइट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है बेसिकली, देखो यहाँ पे हमारे नंबर में अभी 24 है। अब यहाँ पे हम लोग सारी कंडीशंस को ना और से सेपरेट किए हुए हैं। तो अभी क्या होगा कि एक तो ये हो, नहीं तो ये हो, नहीं तो ये हो, सब में से एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू रही तो चलता है, सारी रही तो भी चलता है। एटलीस्ट एक होनी चाहिए, कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन 10 है क्या? हाँ है। नंबर इज लेस देन 25 है क्या? हाँ है। नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है, राइट। तो इन दिस केस हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, सिंपल, राइट। अब एक काम करते हैं, यहां पे ना मैं नंबर चेंज कर देता हूं, लेट्स टेक इट एज 29, ओके। 29 ये हमारा नंबर है। और अभी बेसिकली बात क्या हो रही है कि यहां पे 29 10 से तो बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, राइट। बट 29 25 से छोटा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स है, राइट। और 29 2 से भी डिवाइड नहीं होता तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, राइट। तो हमारी ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, बट और में क्या कहा गया है हमें कि एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू हो तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा, है कि नहीं सिंपल। तो यहां पे हमारी एक कंडीशन तो ट्रू निकल रही है तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सी अब लेट्स से कि हम इस कंडीशन को चेंज कर देते थोड़ा सा, इधर ऐसे रख देते, फाइन, ऐसे, या। तो नाउ इन दिस केस हमारी ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी और ये भी। तो क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें यहाँ पर आउटपुट में फॉल्स एक्सपेक्टेड है एंड फॉल्स मिला भी, राइट। ये सिंपल हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग और इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि कोई भी एक एटलीस्ट कंडीशन जो है वो ट्रू निकल जाए, इस केस में आप लोग और इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे और ऑपरेटर में कैसा हो रहा है, जस्ट टू समराइज, कि यहाँ पर आपके पास में एटलीस्ट एक कंडीशन जो है, आउट ऑफ द ऑल कंडीशन एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, राइट। दिस इज द थिंग, सब रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। दैट्स द आइडिया, ओके। अब आते हैं फटाफट अपने लास्ट ऑपरेटर में जो कि है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। जैसा मैंने पहले शुरुआत में बताया था, नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, राइट।
तो बेसिकली अगर मैं मान लो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नॉट ट्रू, ओके, इफ आई प्रिंट नॉट ट्रू आई विल सिंपली गेट फॉल्स, राइट, लेट्स ट्राई, सी फॉल्स है ना, क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जरा खिचड़ी हो रखी है, फाइन, तो देखो फॉल्स मिल रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड नॉट फॉल्स इज ट्रू, राइट। तो जब भी आपको मतलब नेगेट करना होगा इस आउटपुट को आपके, जैसे ट्रू फॉल्स आपके पास में आउटपुट है, आप उसको नेगेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस नॉट इज काइंड ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर ओवर हियर, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे इस आउटपुट को, इस हमारे बूलियन वैल्यू को नेगेट करने के लिए कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो बूलियन वैल्यूज पे इस्तेमाल किए जाने वाले वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी आसान ऑपरेटर्स है, एंड हम लोग भी इनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं।